साउथ अफ्रीका T20 लीग मैच नंबर 17 जोबर्ग सुपर किंग वर्सेस स्पोर्ट्स लायन। पिछला मैच बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग जीते थे भाई। अब मैच नंबर 17 पे आ गए हैं, साउथ अफ्रीका T20 लीग मैच भाई। अब टीम बनाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दे भाई। देख लो, ये ऐप है जिसमें आपको सारे स्टेट्स मिल जाएंगे भाई। देख लो ये भाई सुपर किंग्स पॉल्स रॉयल्स का सारा डेटा इसमें पड़ा हुआ है। प्लेइंग 11, टॉप 5 रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड सारे मैच पड़े हुए हैं भाई, जिससे आप यहाँ पे आके स्टैट्स देख के अच्छे से टीम बनाना भाई, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और बता दे भाई, हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको फाइनल टीम मिलेगी। और ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसको आपको सारे स्टैट्स देख के टीम बनाने में आसानी होगी, तभी आप मैच जीत सकते हैं भाई आसानी से। चलो भाई, टीम बनाने पे जाते हैं। और इसका लिंक भाई बता दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और ऐप डाउनलोड कर लेना भाई। अब चलो आते हैं हम लोग टीम पे। अब विकेट कीपर पहले देखते हैं भाई। विकेट कीपर में जॉस बटलर हैं, जो कि मस्ट पिक होंगे भाई तुम्हारे। जॉस बटलर इज हैव पिक ओपनर है, सेफ ओपनर है, सेफ पिक है, कंसिस्टेंट रन स्कोर भी कर रहे हैं भाई, प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। कै विकेट कीपरिंग में भी कुछ पॉइंट दिला सकते हैं। और तो तुम्हारे जो दूसरे विकेट कीपर हैं वो फेरेरिया है, बहुत ही ज़बरदस्त विकेट कीपर है। ग्रैंड लीग में भाई चॉइस कर लेना, ग्रैंड लीग में रहेगा, नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हैं। अगर शुरू में जल्दी विकेट गिर गया तो बड़ा स्कोर कर सकते हैं भाई। अब चलो भाई बैट्समैन पे आते हैं, तो जेसन रॉय, डेविड मिलर, फॉर टू प्लेसिस, ये तीनों मस्ट पिक होंगे भाई, जबरदस्त प्लेयर हैं, पता ही आपको, अच्छे रन बना के दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं भाई फॉर टू प्लेसिस, ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, सेफ हैं और कंसिस्टेंट है, डिसेंट फॉर्म में भी हैं और हंग्री फॉर रन स्कोर भी हैं, रन स्कोर भी कर सकते हैं भाई। इसके बाद आते हैं रिका हेंड्रिक्स, ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, अग्रेसिव प्लेयर हैं, सेफ एंड कंसिस्टेंट रन स्कोरर हैं भाई और हंग्री टू रन स्कोर है भाई। इसके बाद बता दे भाई, हाँ वैन वुरेन ग्रैंड लीग में ले लेना भाई। वैन वुरेन को ग्रैंड लीग में नंबर 4-5 पे बल्लेबाजी करेंगे, यंग टैलेंट है, रिकॉर्ड डोमेस्टिक में अच्छा है, इनफॉर्म प्लेयर भी है, कंसिस्टेंट रन स्कोरर है भाई। इसके बाद आते हैं ऑलराउंडर में फिलिप कुआओ और मोइन अली और सेफर्ड जबरदस्त प्लेयर हैं, इनको मस्ट पिक करना है भाई ऑलराउंडर में। इसके बाद आते हैं एफ एल एन को आप ग्रैंड लीग में ले लेना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, ग्रैंड लीग पे आपको ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं। एफ एल एन बैट बॉल दोनों कर सकते हैं, बैट से फिनिशर है, बॉलिंग भी मिडिल ओवर में करेंगे, कंसिस्टेंट विकेट कीपर है भाई। इसके बाद ऑलराउंडर में बता दें आप, सॉरी ऑलराउंडर चलते हैं भाई। इसके बाद आते हैं बॉलर में नारके बर्गर, लुंगी एंगेडी और एल विलियम, ये तीनों प्लेयर भाई मस्ट पिक होंगे बॉलर में। इसके बाद तवरेश शमसी सेफ पिक होंगे, मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे भाई, कंसिस्टेंट विकेट कीपर हैं, फॉर्म में भी हैं, कैपेबल बल्क में भी तवरेश शमसी 4-5 विकेट ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं भाई अगले गेंद 5 पे, तो बी फोर्टीन ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं भाई, मिडिल ओवर में गेंदबाजी करेंगे, कंसिस्टेंट विकेट कीपर हैं, ये भी बल्क में विकेट ले सकते हैं। इसके बाद ओ मेकॉय भी जबरदस्त, ग्रैंड लीग में मकॉय को भी ले सकते हो, अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ में विकेट निकाल सकते हैं, कंसिस्टेंट विकेट कीपर भी हैं और हाई बल्क में विकेट ले सकते हैं भाई। चलो भाई टीम एक बार ले लेते हैं, उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन बताते हैं भाई।
जॉस बटलर फ्रंट से बैट्समैन में भाई डेविड मिलर फॉर्टिस लेसी जेसन रॉय को लेना ही लेना था। इसके बाद भाई ऑलराउंडर में मोइन अली फिलिप क्योव फेव एलन को और गेंदबाजी में फोर्टेन एल विलियम ओ मकाए। चलो और एक मिनट भाई बल्लेबाजी ऑलराउंडर में एट सेफर्ड। नेक्स्ट पे जाते हैं अब भाई कैप्टन। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो स्मॉल लीग की बात करेंगे भाई। पहले स्मॉल लीग में किसको, स्मॉल लीग में जॉस बैटलर ओपनर है, सेफ है, कंसिस्टेंट रन स्कोर कर रहे हैं। टी ट्वेंटी में एवरेज 34 का है भाई जॉस बटलर का, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर को ले सकते हो स्मॉल लीग में कैप्टन, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, सेफ है, कंसिस्टेंट है, रन स्कोर कर रहे हैं, टी ट्वेंटी में एवरेज 37 की है, इनफॉर्म प्लेयर है, गुड फिनिशर भी हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी च्वाइस है। इसके बाद आते हैं अगले कैप्टन की तरफ तो वो है फॉर्ब टू प्लेसिस। ओपनर है, सेफ प्लेयर है, कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं, 33 की एवरेज है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बिग स्कोर भी कर सकते हैं भाई। इसके बाद ग्रैंड लीग में कैप्टन की बात करें तो ग्रैंड लीग में जेसन रॉय के ले सकते हो जो कि एग्रेसिव ओपनर है, हिट एंड मिस टाइप के हैं, चल गए तो भाई तगड़ा मार देंगे, नहीं तो मिस ही कर जाएंगे। एवरेज 29 की है टी ट्वेंटी में, एवरेज टी ट्वेंटी में 29 की है भाई। अगले जो आप ले सकते हो प्लेयर वो है फॉर्ब टू प्लेसिस है, ओपनर है, सेफ प्रॉमिसिंग प्लेयर है, हैंग्री फॉर बिग है, 33 की एवरेज है भाई। इसके बाद नारके बर्गर को ले सकते हो भाई। इसके बाद कैप्टन आप जो है नारगे बर्गर को ले सकते हो, मैंने यहाँ लिया नहीं है, नारगे बर्गर को भी ले सकते हो कैप्टन, फिलिप क्योव को भी ले सकते हो ग्रैंड लीग में कैप्टन भाई, फिलिप क्योव को भी कैप्टन ले सकते हो, साथ पे बल्लेबाजी करेंगे, कंसिस्टेंट बल्लेबाजी, हार्ड हिटर हैं, गेंदबाजी में भी कुछ डेथ में गेंदबाजी, पावर प्ले में करेंगे कुछ, और लुंगी इंगड़ी। इसके बाद लुंगी इंगड़ी हम तो नहीं लिया भाई, आप ले सकते हो लुंगी इंगड़ी को भी, आप ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हो। लुंगी इंगड़ी बॉलिंग करेंगे पावर प्ले डेथ ओवर में, कंसिस्टेंट विकेट पीपर, फर्स्ट बॉलर च्वाइस भी होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके बाद मोइन अली को भी ले सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में, नंबर चार पे बल्लेबाजी करेंगे, बैट बॉल से अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, हार्ड हीटर भी हैं, मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंट विकेट कीपर है। चलो भाई वाइस कैप्टन तो बना दिया भाई, मेरे कैप्टन जॉस बटलर होंगे। इसके बाद वाइस कैप्टन फॉर टू प्लेसिस हम ले लेते हैं और देख लो भाई मैंने किस किस खिलाड़ी, जॉस बटलर, फेरीडा, डेविड मिलर, फॉर टू प्लेसिस, जेसन रॉय, मोइन अली, फिलिप क्योव, फेव एलन, सेफर्ड, बी फोर्टीन, मकॉय। और बता दे भाई अब बता दे भाई ये मेरी टीम रही, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम तो भाई वहीं पे मिलेगी। इसके बाद ऐप भी डाउनलोड कर लेना क्योंकि आप वहाँ से देख के भाई अच्छी टीम बना सकते हो। थैंक यू।